इतने दिनों की मेहनत आज और कल और आगे के कुछ दिनों में रंग लाएगी। बंधन में तो बंधेंगे ही जरूर शायद। इसी के बारे में पूरी फैमिली को बता दे तो यही चाहिए। ओ फाइनली हो रहा है, इतने दिनों की मेहनत आज और कल और आगे के कुछ दिनों में रंग लाएगी। यही कहना है कि कथा फाइनली रियलाइज कर रही है कि वो जो डिसीजन ले रही है वो अच्छा है, वो उसकी भलाई के लिए है, एंड फाइनली उसके उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, बस उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूरी फैमिली को बता दे तो यही चाहिए। बट आई एम रियली हैप्पी कि कथा एंड कबीरा कमिंग टुगेदर। पहली बार लग रहा है ना कुछ हो नहीं रहा है, मुझे इतना अजीब लग रहा है कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं सिर्फ बैठ के डांस क्यों देख रही हूँ। बट आई एम एंजॉइंग द डांस परफॉर्मेंसेस, और ऐसा नहीं होता कि अगर ड्रामा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप देखोगे कि कैसे संगीत में भी एक बड़ा सा ड्रामा होगा, युवराज एके राहुल कुछ तो करेगा जिससे सारी नज़र उस पर जाएगी, या तो उसको पता चल जाएगा कि फाइनली मैं उसकी भाभी हूँ। सो समथिंग इज गोना हैपन फाइनली एंड वी आर ऑल एक्साइटेड टू सी इट। आई वॉन्ट टू डांस, मैं इतनी अंदर से मचल रही हूँ। मैं कब से मेरे क्रिएटिव को बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे डांस करना है, प्लीज़ मुझे करवा दो डांस। तो वो बोल रहे हैं कि कर रही हो तुम डांस, रिलैक्स करो। बट आई एम डांसिंग विद कबीर, इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। हम ये बातचीत कर रहे हैं कि कौन बेटर डांसर है। सो हमने क्योंकि एक साथ डांस कभी किया नहीं है, दिस इज द फर्स्ट टाइम विल बी डांसिंग टुगेदर, सो आई थिंक आई एम गोना विन दिस चैलेंज। हाँ, ये तो भी कंपैरेटिवली बहुत हल्का है। जो मेरा ब्राइडल है इट इज़ वेरी हैवी, इट्स अबाउट 15K, बहुत हैवी है और बहुत ज्वेलरी है। दिस इज स्टिल बेटर, आई एम स्टिल ओके, लाइक इसको चलना इज अ टास्क, बट इसमें ओ शिट मुझे डांस करना है इसमें। एनीवेज विल सी अबाउट दैट, बट आई लव दिस ड्रेस, आई मुझे एकदम अलादीन वाली प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है, सो आई एम लविंग इट। शादी के दौरान क्या होने वाला है वो तो आपको देखना पड़ेगा मुस्कुराने की वजह तुम हो के लिए, क्योंकि मुझे भी इतनी आइडिया नहीं है। थैंक यू। क्या होने वाला है? मिलन होने वाला है कबीर जी। बिल्कुल, शादी एक बहुत ही सुंदर बॉन्ड होता है, और अगर जब शोज पे शादी का ये होता है तो आई थिंक हमें भी अच्छी फीलिंग आती है कि एक नया रिश्ता शुरू होने वाला है, और वही चीज़ ऑडियंस को भी ट्रांसलेट होती है कि एक नई चीज़ होने वाली है, एक बड़ा कदम उठाया जाएगा ज़िंदगी में। तो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो गुड मैसेज, बिकॉज आज के ज़माने में बहुत लोग शादी से भागते हैं। ये शायद देख के कहीं ना कहीं उनके मन में अगर ये हो जाए कि नहीं यार, शादी अच्छी चीज़ है, सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। जी बिल्कुल, डांस एंजॉय कर रहे हैं, हम खुद डांस करने वाले हैं, और हम बहुत एक्साइटेड है इस डांस को लेकर। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस संगीत सीक्वेंस, बिकॉज हर शादी में संगीत ही वही एक चीज़ होती है जिसमें एक फ्लेवर होता है। नहीं, बंधन में तो बंधेंगे ही ज़रूर शायद। बट हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो कहाँ नहीं आते हैं, हम रियल लाइफ में भी होते हैं तो शादी में भी कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, ये मिसिंग हो गया, वो मिसिंग हो गया। इतना ड्रामेटिक रियल लाइफ में नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑब्वियसली एक शो बना रहे हैं हम, तो ड्रामा क्रिएट करना ही है। एंड आई थिंक ड्रामा जब तक के एक सुंदर ड्रामा ना हो, एक लॉजिकल ड्रामा ना हो, तो इस शो की बात ये अच्छी ही लगती है मुझे कि यहाँ पे इलॉजिकल चीज़ें नहीं होती है, बहुत लॉजिक के साथ ड्रामा क्रिएट हो रहा है, सो आई थिंक दैट्स ग्रेट। थैंक यू टेली मसाला, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू द ऑडियंस कि हमें इतना प्यार मिल रहा है, एंड जस्ट कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग मुस्कुराने की वजह तुम हो। थैंक यू।
Yeah.